और अब बात दिल्ली की मुख्यमंत्री की कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो केंद्र की तरफ से लाए गए अध्यादेश के खिलाफ यहां पर विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उपराज्यपाल भी निशाना साधने से चूक नहीं रहे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली की उपराज्यपाल वी के सक्सेना पर निशाना साधा है और साथ ही कई उन पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि अगर एलजी कंट्रोल करेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी दिल्ली में 4 चुनाव बुरी तरह से हार गई है और अगले कई सालों तक दिल्ली जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली को काबू में करने की कोशिश की है, और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने सुनिएगा। जो चुनी हुई कैबिनेट है उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी, उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी, अथॉरिटी के अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा, तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसरशाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसरशाही केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है, और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं, और वो सरकार, चुनी हुई सरकार, अफसरों के जरिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है वो मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। तो जैसे किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री जो है वो अगर कोई आदेश देगा तो अफसर डिसाइड करेगा कि आदेश सही है कि गलत है। अगर अफसर को लगता है कि आदेश सही नहीं है, अगर वो तो ये बहाना मार के कि वो अफसर आदेश सही नहीं है, वो अफसर आदेश मानने से इनकार कर सकता है। सरकार कैसे चलेगी ऐसे? हम मान लो कहते हैं कि 2 स्कूल बनाने, अफसर कहते हैं नहीं, दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है। अगर अफसर लिख दे फाइल पे दिल्ली में स्कूलों की जरूरत नहीं है तो स्कूल नहीं बनेंगे। हम मान लो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक 100 और बनने चाहिए, चुनी हुई सरकार कहती है, हम तो जनता में घूमते हैं, हम कहते हैं भाई जनता मांग रही है इस इलाके में करोलबाग में एक मोहल्ला क्लिनिक बनाओ, अफसर कहता नहीं करोलबाग में मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत नहीं है, बस फिर मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनेगा। हम कहते हैं यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, अफसर लिख देता है पानी ठीक आ रहा है, बस पानी ठीक आ रहा है, फिर अफसर ने लिख दिया पानी ठीक आ रहा है। फिर हम कहते हैं यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई, अफसर कहता नहीं गंदगी नहीं है सही है, तो बस फिर सही है। तो ये अफसर को पावर दे दी। कैबिनेट जितने निर्णय लेगी, कैबिनेट मतलब सुप्रीम बॉडी, चुनी हुई सरकार की सुप्रीम बॉडी जिसमें सारे मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, तो कैबिनेट जो भी निर्णय लेगी वो निर्णय सही है कि गलत है ये चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा। तो चीफ सेक्रेटरी डिसाइड करेगा कैबिनेट ने निर्णय सही लिया कि गलत लिया, और फिर वो एलजी को रिकमेंड करेगा, एलजी उस पर कैबिनेट के किसी भी निर्णय को पलट सकता है। ये तो संविधान में भी नहीं दे रखा कि एलजी किसी भी निर्णय को पलट सकता है, इन्होंने नया एक संविधान बदल दिया। और ये अथॉरिटी बनाई है कि अथॉरिटी के अंदर मुख्यमंत्री बैठेगा, मुख्यमंत्री के सर पे 2 अफसर बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है।